Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. I'm Manvendra Singh Mangat and we are studying Public Administration. In today's class, we are going to start a new unit of Public Administration Paper 1, that is Administrative Theories. और इसके अंदर हम Administrative Thinkers को पढ़ेंगे, उनकी Theories को पढ़ेंगे, जो Administration से related उन्होंने अपने अपने work के अंदर लिखा है. Thinkers, किसी भी सब्जेक्ट को एकेडमिक स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए थिंकर्स का सबसे अहम योगदान माना जाता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट की स्टडी के लिए, उस सब्जेक्ट में आखिर पढ़ा क्या जाए, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी, ये थिंकर्स ही प्राइमरी आपको डिफाइन करके बताते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम थिंकर्स की सिस्टमैटिक स्टडी करें, लेट्स जस्ट लुक एट कि थियरीज आखिर होती क्या हैं और इसका यूजेस या सिग्निफिकेंस क्या है. सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन. द वेरी फर्स्ट थिंग, that what is theory? So it comes from a Greek word called theoria. और इसका simple meaning होता है speculating, contemplating, looking at or viewing. मतलब किसी चीज को, किसी phenomena को observe करना, speculate करना उसके different context के अंदर उसको. और फिर इसी सारी contemplating, speculating से क्या मिलता है आगे? फिर ideas को एक logical way में organize किया जाता है, जिससे किसी existing बिलीफ को, किसी फेथ को या किसी कन्विक्शन को या तो डिमोलिश कर दिया जाता है या फिर उसको रीइंफोर्स किया जाता है. जैसे हम प्लैनेटरी साइंसेस के बारे में बात करें, तो कभी ह्यूमैनिटी ये मानती थी कि अर्थ ही मेन प्लैनेट है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. मतलब शुरुआत में तो ये माना जाता है कि सूरज इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तभी सूरज निकलता है और छिप जाता है. लेकिन इसके बाद इसके ऊपर और पढ़ाई की गई, साइंसेस की गई, स्पेक्यूलेशंस किए गए, ऑब्जर्वेशंस की गई और आज ये एस्टेब्लिश ट्रूथ है. वो पुराना बिलीफ खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, वो कन्विक्शन खत्म कर दी गई और आज एस्टेब्लिश्ड है कि हम सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. तो एक नई कन्विक्शन को एस्टेब्लिश किया गया. ऐसे ही आप बात करें पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो जब किंगशिप्स हुआ करती थी, जब ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स नहीं आए थे, और आप एशिया जाएं, यूरोप जाएं, कहीं पर भी किंगशिप हुआ करती थी और सारी पावर का, स्टेट की सारी पावर का फाउंटेन हेड हुआ करता था द किंग इटसेल्फ. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हर तरह की पावर किंग के पास है. लेकिन फिर फ्रांस में पैदा हुए मॉन्टेस्क और उन्होंने थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर की, कि भाई ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग कन्विक्शन है ना, बिलीफ है कि सारी पावर एक ही अथॉरिटी के पास होनी चाहिए, ये गलत है. इससे स्टेट सही तरीके से ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि स्टेट की पावर को कम से कम तीन हेड में डिवाइड कर लीजिए. कानून बनाने वाले अलग, जिसको लेजिस्लेचर, उसको लागू करने वाले अलग, दैट एग्जीक्यूटिव, और फिर कानून सही से बन रहे हैं या फिर उनके सही बनने में या उसके लागू होने में कहीं कोई फ्लो तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए जुडिशरी एक अलग से अथॉरिटी हो. सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी आ गई. हालांकि उस दौर में इस बिलीफ को एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो लोगों को लगा मॉन्टेस्क बकवास करता है, भाई हमारा तो कन्विक्शन ये है. लेकिन आज आप देखते हैं कि जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, सभी जगह पर सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को ही आरोपित किया गया है, उसी को एस्टैब्लिश किया गया है, नई कन्विक्शन को जन्म दे दिया है. तो ये सारा काम करती हैं थियरीज. सो बेसिकली क्या है कि जो डिफरेंट आइडियाज हैं, जो सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशंस देते हैं कॉजल फैक्टर्स के, कोई भी फिनोमेना, कोई भी घटना किस वजह से घट रही है, जब उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर, और फिर उसकी यूनिवर्सैलिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको कहीं पर भी टेस्ट कर सकते हैं. जैसे फिजिक्स के सिद्धांत हैं, भाई आप बटन ऑन करते हैं, लाइट जलती है, तो उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तौर पर लागू होंगे. आप लाइट ऑन करेंगे, इंडिया में भी बल्ब जलेगा, आप युगांडा में भी लाइट ऑन करेंगे, बल्ब का जो स्विच होता है तो लाइट ऑन हो जाएगी. तो यूनिवर्सैलिटी दी जाती है उन चीज़ों को. और साथ ही ग्रेजुअली ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज आप इकट्ठी करते हैं, ये जो कंसेप्ट आप इकट्ठे करते हैं, इनसे किसी फिनोमेना की डेफिनेशन, प्रिपोजिशंस और एक सिस्टमैटिक व्यू इस्टेब्लिश होता है, और उस सिस्टम का इंटर रिलेशन के सोसाइटी के बाकी जो भी संस्थाएं हैं उनसे क्या रिलेशन होगा, ये एक ग्रैंड लेवल पर एस्टैब्लिश होता है. तो मेनली थ्योरी जो है वो स्पेक्यूलेटिंग है या फिर लुकिंग एट है, ऑब्जर्वेशंस है, बट एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर. इट्स नॉट जस्ट थ्रोइंग द आइडियाज. सो एक लॉजिकल ऑर्डर में आप किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं और किसी प्री एग्जिस्टिंग फेथ को, बिलीफ को या फिर कन्विक्शन को या तो रीइंफोर्स करते हैं या फिर उसको डिमोलिश करके किसी नए सिद्धांत की स्थापना करते हैं. अब बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है थ्योरी की, आखिर पढ़ी ही क्यों जाए.
और लगभग हर ह्यूमैनिटी में जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स भी थोड़ा बोरिंग भी समझते हैं कि यार लो आ गया थिंकर वाला चैप्टर, बहुत सारे थिंकर्स होंगे और मतलब उसके ऊपर थियराइजेशन पढ़ना पड़ेगा, किस वक्त के थिंकर ने क्या बात की है वो आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंस को समझें कि आखिर सिलेबस में ये सब कुछ क्यों है। यूपीएससी इतनी भी पागल नहीं कि बिना वजह आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही हो। तो सिग्निफिकेंस समझें, सबसे पहले जो थ्योरी की सिग्निफिकेंस होती है वो ये कि एक तो ऑर्गेनाइज्ड एंड सब्सटेंशिएटेड प्लान प्रोवाइड करती है अबाउट एनी फिनोमेना। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे करप्शन ही है, तो उसके कॉजल फैक्टर क्या हैं, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, ये थ्योरी आपको प्रोवाइड करती है। देन वी कम टू सिस्टमैटिक मेथड है ऑफ कंडक्टिंग सोशल रिसर्च दैट लीड टू नॉलेज डिस्कवरी। जब भी कोई थ्योरी बनाई जा रही है तो फर्दर नॉलेज डिस्कवरी की ओर आगे बढ़ती है कि और इसमें बेहतर क्या हो सकता है। एंड देन कम टू वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी पॉइनकेयर हैं, बड़ी अच्छे से सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन है वैसे, लेकिन थ्योरी के बारे में कहते हैं दैट द फेमस कोट, और इस तरह की कोट्स याद करते चलें, साइंस इज बिल्ट विद फैक्ट्स एज हाउस इज मेड विद स्टोन्स, लेकिन यू डू नॉट कॉल अ हीप ऑफ स्टोन्स द हाउस। मतलब पत्थरों को बिना सिलसिलेवार तरीके से अगर आप ढेर बना कर रख दें तो उसको घर नहीं कहा जाता है। घर कहलाने के लिए पत्थरों को एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना होता है, तब वो घर कहलाएगा। तो ऐसे ही जब हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, जब कोई भी थॉट सिस्टमैटिक तरीके से कोई फिनोमेना डिफाइन करता है तब आपका वो सब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब आपकी वो साइंस क्रिएट हो रही है। और इसी के साथ आगे आने वाली पीढ़ी को बार बार वो टाइम और एनर्जी ना इन्वेस्ट करनी पड़े नॉलेज को रीडिस्कवर करने के लिए। जस्ट थिंक ऑफ मे बी स्टीम इंजन, जस्ट थिंक ऑफ व्हील, कि ह्यूमैनिटी को कितना टाइम लगा होगा इन चीज़ों को डिस्कवर करने के अंदर। अब अगर उसका थियराइजेशन ना किया जाए, उसकी थेरीज ना लिखी जाए, वो सिस्टमैटिक नॉलेज ना बनाई जाए, तो अगली आने वाली पीढ़ी को इस नॉलेज का ज्ञान नहीं हो पाएगा, इस नॉलेज को वो हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रनिंग, भागना, दौड़ना। अब दौड़ना तो इंसान की फितरत में शुरू से ही शामिल है, और कब से दौड़ रहे हैं, वो पान सिंह तोमर फिल्म का भी डायलॉग था ना कि साहब हमें स्पोर्ट्स में ले लो, हम तो भजते ही बहुत हैं। तो ये भजना, ये भागना तो जब से इंसान यहाँ पर है तब से कर ही रहा है। लेकिन फिर आते हैं स्पोर्ट्स इवेंट, एथलेटिक इवेंट्स, जिसमें रेस को एक कंपिटिटिव इवेंट बना दिया जाता है, बड़े पैमाने पर इवेंट्स होना शुरू होते हैं, ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। फिर इसी में आता है साइंस ऑफ रेस, कि रेस की साइंस को समझें, कैसे इस काम में निपुणता हासिल की जा सकती है, एक्सीलेंस अचीव किया जा सकता है। तो फिर आप देखते हैं NIS जैसे इंस्टीट्यूट हैं पटियाला के अंदर, जहां पे कोचेस को ट्रेन किया जाता है, वो सारी थियरीज पढ़ाई जाती हैं, मसल्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है कि हैमस्ट्रिंग मसल का क्या यूज होगा, काफ मसल्स का क्या यूज होगा। साथ ही फिर इसी थ्योरी से निकल के आते हैं कि ऑफ सीजन्स होते हैं, स्पीड वर्क होता है एथलीट्स के लिए, ऑफ सीजन में भाई अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, इंड्योरेंस पे फोकस कीजिए, और फिर जब ये ऑफ सीजन खत्म होगा तो स्पीड वर्क में इसी अपनी स्ट्रेंथ, इसी इंड्योरेंस के ऊपर कैपिटलाइज करेंगे, और फिर आप स्पीड वर्क करेंगे, आप स्पीड के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप देख रहे हैं भागने दौड़ने जैसी नेचुरल एक्टिविटी, आज हम उसमें भी साइंस ला चुके हैं, उसको भी, उस नॉलेज को एक सीक्वेंसिंग दे चुके हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर दे चुके हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को जो नॉलेज है, जो पिछली पीढ़ी ने नॉलेज इकट्ठी की है, वो एक सिस्टमैटिक रूप में मिले और उस पर कैपिटलाइज करके हमारी सोसाइटी फर्दर एक्सीलेंस अचीव कर सके। देन इसके आगे अगर मैं कोर एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी की बात करूं कि यहाँ क्या लाजमी है, तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही थ्योरी के अंदर मिलता है। एक तो बड़ी दिक्कत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में खास कर ये मानी जाती है और ऑन रिकॉर्ड मानी जाती है, इसको हम कोट कर सकते हैं पेपर के अंदर, दैट ओवर स्टेटेड सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि कई बार हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जब ये यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लेते हैं और जब पोस्ट के ऊपर होते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, एक तो ओवर एस्टिमेटेड सेंस ऑफ अचीवमेंट है और वो वाला एटीट्यूड कि हमें सब कुछ आता है, और थ्योरीज को ड्यू रिगार्ड नहीं देते हैं जो उनको लवासना में या बाकी अकेडमीज के अंदर कराई गई हैं, और वो चलता है एटीट्यूड से, प्रशासन चलाने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके जड़ में ये वजह होती है कि बैक टू द रूट्स नहीं है, बैक टू द वैल्यूज नहीं है, जो थेरीज जो उनको पढ़ाया गया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की थेरी है MP फॉलेट मैम की, तो उसमें वो कहती हैं देखिए जब भी कभी कन्फ्लिक्ट होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव
या कंस्ट्रक्टिव, दोनों हो सकता है. इट इज द वे हाउ यू हैंडल दैट. इसी के अलावा हम पोस्ट कॉर्प की थ्योरी पढ़ेंगे कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स लागू करने हैं. यहां तक कि डिसीजन मेकिंग तो रोजमर्रा का काम है किसी भी ब्यूरोक्रेट की लाइफ के अंदर. तो डिसीजंस आखिर बनाने कैसे हैं, जब डिसीजन मेकिंग हो रही है तो दिमाग में किस किस स्टेप से गुजरते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास जिसके यूटिलाइजेशन के बाद आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सब आपको हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी से मिलता है. तो जब तक हम इन थ्योरीज को ड्यू रिगार्ड नहीं देंगे तब तक जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं ये भी पूरी तरह सक्सेसफुल हों ये क्वेश्चनेबल ही रहेगा. नाउ वी टॉक अबाउट द थ्योरीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से थिंकर और किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं या क्या उनका स्टडी का स्कोप है, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे. बट एक फेमस कोट से शुरुआत करते हैं और इसको आप क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करें. द फेमस सेइंग इज दैट देर आर थ्योरीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट देर आर नो थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो थ्योरीज हैं लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई थ्योरी नहीं है. अब इस तरह का संगीन इल्ज़ाम आखिर लगता क्यों है? तो देखिए, सब्जेक्ट है पॉलीग्लॉट. जैसे हमने इवोल्यूशन के अंदर भी बात की थी कि डिफरेंट सब्जेक्ट के स्कोप में से, एम्बिट में से चीज़ें उठा उठा कर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया है. सो पॉलीग्लॉट से मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक जमावड़ा, एक प्लेटफॉर्म. तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के दौर पर जो हम पढ़ते हैं वो प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर नहीं बल्कि किसी और स्टडी फील्ड के वो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ चीज़ें कही हैं. सो अलग अलग सब्जेक्ट के थिंकर्स की एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं. जैसे पॉलिटिकल साइंस से डाइकॉटमी है, यूटिलिटेरियनिज्म है, जस्टिस, फेयरनेस, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी. ऐसे ही मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कैसे होती है, उसके प्रोमिनेंट पार्ट क्या होते हैं. ब्यूरोक्रेसी है, डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट से हम पढ़ते हैं. इकोनॉमी से बजट है, एंटाइटलमेंट थ्योरी है, बेसिक नीड थ्योरी है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सब इकोनॉमी के फील्ड से आ रहा है. तो डिफरेंट फील्ड के अंदर जो स्टडीज हुई हैं उनका लाभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठाता है. लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमने अभी दिया है ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है. यहां तक तो हमने बात कर ली कि हाँ और फील्ड से एनरिच हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये पार्शली ट्रू है. वो इस वजह से क्योंकि इन सारी थियरीज को कंटेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन के जरिए नहीं लाया गया, पैराशूटिंग नहीं करा ली गई है कि बिना वजह कहीं से भी कोई उठा लीजिए. इन सब थियरीज का अडॉप्शन और अडेप्शन भी किया गया है और उस अडॉप्शन और अडेप्शन के प्रोसेस में कुछ नई थियरीज आती हैं जो प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिसमें हम जैसे अभी बात करें जो पिछली क्लासेस थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस अप्रोच, ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती हैं. सो पार्शली ट्रू स्टेटमेंट हम कहते हैं. इन सब अडेप्टेशन के बावजूद हम नया तैयार करने में कामयाब रहे. जैसे एक वो फेमस कहावत है ना कि किसी कपड़े का न्यूनेस आप क्या कहेंगे. न्यूनेस धागे में नहीं है, सारे ही कपड़े थ्रेड से बनाए जाते हैं. तो न्यूनेस, जब किसी कपड़े के नए होने के बारे में हम बात करते हैं तो न्यूनेस इज नॉट इन द थ्रेड, रादर हाउ द थ्रेड इज वीवन, उसको आपने बुना कैसे है, तब हम कहेंगे कि नया कपड़ा तैयार हो रहा है. तो चाहे पुरानी नॉलेज थी या किसी और फील्ड की नॉलेज थी, उसको अडेप्ट कर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर उससे नए प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं. तो खुद की भी अपनी थ्योरीज हैं लेकिन वो पार्शली ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ वी मूव टू द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हम कहते हैं तीन मेजर अप्रोचेस जिनके थिंकर्स हैं, जैसे पहले क्लासिकल, फिर नियो क्लासिकल्स आएंगे और फिर आएंगे आपके मॉडर्न थिंकर्स. तो तीन स्ट्रीम समझ लीजिए थिंकर्स की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंकर हम पढ़ेंगे. अब अगर हम बात करें इनके एरा की और ये चार्ट अगर आप थोड़ा दिमाग में बैठा लें तो सहूलत हो जाती है थिंकर को अलग अलग कैटेगराइज करने में. और आगे जाकर जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम पढ़ेंगे, क्रिटिज्म पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ थिंकर एक जैसी बात करते हैं और फिर जो अगली स्ट्रीम ऑफ थिंकर है, नई पीढ़ी थिंकर की आ रही है, वो कैसे पुराने बिलीफ्स को डिमोलिश करती है, नए बिलीफ को एस्टैब्लिश करती है. सो इट कम्स टू इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिकल एरा. अब क्लासिकल एरा इसको इसलिए कहा जाता है कि अर्लीएस्ट थिंकर हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी थियोरीज लिख रहे हैं. सो क्लासिकल एरा दैट 1892-1930 और इसी के फिर हम कहें तो लॉजिकल एक्सटेंशन होगा 1930 टू 1960 नियो क्लासिकल होंगे और फिर 1960 से अब तक जो थिंकर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं उनको हम मॉडर्न कैटेगरी के अंदर रख लेते हैं. तो फिर फर्क क्या है दोनों के अंदर या तीनों के अंदर?
सो जो क्लासिकल है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच पर ज्यादा फोकस है. ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड हो के ना हो, यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. फिर स्पैन ऑफ हायरार्की क्या हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो, कितने लोग कितनों को गवर्न करें, तो इस तरह स्ट्रक्चरल अप्रोच है. लेकिन यहां पर नियो क्लासिकल में बिहेवियरल अप्रोच जो कमी रह गई थी, जिसके आधार पर क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया गया कि यार तुम तो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन. तो ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में तो आप कुछ बात कर नहीं रहे, उसके मूड्स, उसकी इमोशंस, परेशानियां, तो ये बिहेवियर के ऊपर फोकस करेंगे. और फिर आएंगे एनवायरमेंटल मॉडर्न वाले कि यार देखो सिर्फ एक वर्कर के, एक मैनेजर के, एडमिनिस्ट्रेटर के मूड्स एंड इमोशंस की नहीं, जो टोटल एनवायरमेंट में वो काम कर रहा है, मतलब सोशियोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, टोटल एनवायरमेंट की हम बात करेंगे. देन हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिकल का. तो क्लासिकल का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता था इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. उन टेक्निक्स का पता करो जिससे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में ज्यादा इकोनॉमी, ज्यादा एफिशिएंसी आ सके. और हम देखेंगे ये सारे जो क्लासिकल थिंकर्स हैं ये कहीं ना कहीं जब यूएस के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शबाब के ऊपर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, तब ये सारे अपने थियरीज लिख रहे हैं. और ये ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में लिखा जा रहा है, या फिर मैं सीधा कहूँ तो फैक्ट्रीज के अंदर, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, कोई स्टील प्लांट, वहाँ पर ये थियरीज लिखी जा रही हैं. तो यूनिवर्सिटी का कोई इंटेलेक्चुअल वर्क यहाँ पर नहीं है प्राइमरली. सो इकोनॉमी और एफिशिएंसी के ऊपर फोकस है कि संस्था की जो सक्सेसफुल होने की गारंटी है, डेफिनेशन है, वो इस बात में है कि यहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितना इकोनॉमिक और एफिशिएंट प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है. देन हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल की, तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो भाई उसकी एफिशिएंसी सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के टूल एंड टेक्निक पर नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करेगी कोई लाजमी नहीं है, उसकी खुद की साइकोलॉजी क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके ऊपर काम करेंगे. और फिर आते हैं मॉडर्न जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कनेक्शन की बात करेंगे, जो प्रॉपर वही एनवायरमेंटल नीड्स क्या हैं उसकी, कि एक ह्यूमन है तो आप उसको इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ना देखें, वो एक सोसाइटल बीइंग भी है, तो समाज से उसकी क्या अपेक्षाएं, समाज में वो किस तरीके का बिहेव करता है, उसकी पॉलिटिकल, उसकी रिलीजियस जो मेंटेलिटी है वो किस तरह से काम करती है. देन वी कम एलिमेंट ऑफ सबसेट, तो यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट. जो क्लासिकल वाले हैं ये सब साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जोर देते हैं, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि लॉजिकल चीजों की स्टडी करें और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स दे दें, वन बेस्ट वे दे दें इकोनॉमी और एफिशिएंसी को मेंटेन करने का. लेकिन इसके आगे हम बात करें तो नियो क्लासिकल को, एक और नियो क्लासिकल को कई बार ह्यूमन रिलेशंस वाले भी कहा जाता है, मतलब कि ह्यूमन रिलेशन वाले थिंकर्स हैं. तो इन्होंने किसके ऊपर, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बात की कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है उसके सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मल रिलेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल रिलेशंस भी देखिए. मतलब किसी व्यक्ति की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इकोनॉमी एफिशिएंसी की अगर बात कर लें या परफॉर्मेंस की बात करें, तो एक फैक्टर तो होगा फॉर्मल रिलेशन के बॉस ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर एक कनेक्शन होता है इनफॉर्मल रिलेशंस, उसका पीयर ग्रुप, उसके फ्रेंड्स जिनसे वो कुछ इमोशन शेयर करता है, उसका भी असर पड़ता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी असर पड़ता है किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस के ऊपर. और फिर आते हैं मॉडर्न वाले, तो ये कहते हैं सिस्टम थ्योरी, हाउ सिस्टम वर्क्स, हाउ ओवरऑल सिस्टम, लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन इज अ सबसेट ऑफ द सोसाइटी, तो ओवरऑल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपका पॉलिटिकल, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उन चीज़ों के ऊपर भी आपकी एफिशिएंसी या इकोनॉमी बेस्ड होगी, या फिर हम कहें परफॉर्मेंस उसके ऊपर आधारित होगी. देन फाइनली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी टाइप के ऊपर फोकस किया गया, लेकिन ये बिहेवियरलिज्म है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस आ रहा है. और जब बात करें मॉडर्न की तो कंटिंजेंसी थ्योरी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके के टूल एंड टेक्निक्स होंगे, डिफरेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा. सो प्राइमरली हमें समझना है क्लासिकल थिंकर्स, उसके बाद नियो क्लासिकल, क्लासिकल की कमियों को दूर किया, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस किया, और फिर आते हैं मॉडर्न जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कंप्लीट सिनेरियो ऑफ वर्क जिस भी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अंदर कोई संस्था या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उन सारे फैक्टर की स्टडी करने की बात करते हैं. और जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज और के बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं है यहाँ पर थिंकर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट, जब हम थिंकर्स को देखते हैं तो उनकी थ्योरी जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो बहुत सारा लेयरिंग है, बहुत सारा फिलोसफिकल वर्क है, बहुत हैवी थियराइजेशन वहाँ पर होता है. लेकिन जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थिंकर्स को देखते हैं तो वो फिलोसफिकल वर्क रिड्यूस कर दिया गया है. ये थिंकर आपसे सीधी सीधी बात करेंगे,
भाई हमारे चार प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसकी यूटिलिटी देख लीजिए, क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज कर दीजिए, बहुत ज्यादा कोई फिलोसफिकल डोमेन नहीं है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन है, वैल्यूज पर काम करेगा, बट बहुत ज्यादा फिलोसफिकल नहीं होगा। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स को गरीबों के लिए काम करना चाहिए, मार्जिनलाइज के लिए काम करना चाहिए। हमने मिनोब्रुक 3 कॉन्फ्रेंस उसके अंदर भी ये रिजल्ट देखा था, सोशल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। लेकिन जब गरीबों के बारे में काम करना है तो उसको फिलोसफिकल एस्पेक्ट में मत लेके आइए कि गरीबी क्यों है, गरीबी किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, ये मेंटल स्टेट होता है कि रियल स्टेट होता है। आप फिलोसफिकल वर्क ना करें, आप रियल प्रैक्टिकल सेंस में बताइए कि गरीबी दूर की कैसे जा सकती है और क्या बेनिफिट गरीबी तक पहुंचाया जाए। वो सीधा उनको फ्री अनाज दे दें या फिर एम्पावरमेंट के लिए नरेगा स्कीम चला दें। तो यहाँ पर फिलोसफिकल एस्पेक्ट पर काम कम है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं थिंकर्स की, तो पहले थिंकर से मुखातिब होते हैं फ्रेडरिक टेलर, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करने में एक बड़ा योगदान, और ये कहा गया कि हर वर्क का एक साइंस होता है, आपको वो डिस्कवर करना है। जब हम थिंकर्स के सिस्टमैटिक नॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम भी सिस्टमैटिक तरीके से ही डील करेंगे थिंकर्स के साथ। तो देखिए, 4 या 3 पिलर्स होंगे हर थिंकर के साथ हमारे, 4 खास करके। एक इंट्रोडक्शन, तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर कहाँ से आते हैं, क्या स्टडी है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि थिंकर की एक पर्टिकुलर सोच किस तरीके से है, और दूसरा क्या इनकी ये जो थ्योरी है ये इनके प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर है या इनके एकेडमिक नॉलेज के आधार पर है। और साथ ही उस वक्त जिस कालखंड में या जिस देश परिस्थिति में अपनी थ्योरी लिख रहे हैं वहाँ ऐसी क्या घटनाएँ घट रही थी जिनकी वजह से थिंकर ने ये पर्टिकुलर थ्योरीज दी हैं। तो एक सोशल जो कनेक्ट है वो हम ड्रॉ कर लेंगे और उससे हमें थिंकर की थ्योरीज का बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। नाउ वी कम टू दिस थिंग दैट फ्रेडरिक टेलर, सो एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर इनको जाना जाता है, हालांकि विदाउट डिग्री, और प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी। जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया US के अंदर 1856 में आप जी का जन्म हुआ था। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था लेकिन गरीबी और अन्य कारणों के चलते लॉ कंप्लीट नहीं कर पाए। 18 साल की उम्र में एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स में इन्होंने फिलाडेल्फिया के अंदर एंटरप्राइज, मतलब वो अप्रेंटिस होता है ना, अप्रेंटिस की जॉब कर ली। 4 साल तक बिना वेजेस के काम किया, फोर्स लेबर, बदवा मजदूरी वहाँ भी चल रही है। और इसके बाद 1878 में इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की एज अ लेबरर, और इनकी मेहनत और इनकी प्रतिभा का नतीजा ये कि लेबर से ये गैंग बॉस, फोरमैन, रिसर्च डायरेक्टर और फिर चीफ इंजीनियर के पद पर पहुंचते हैं इन द सेम कंपनी इन 1884। तो एक लॉन्ग एक्सपीरियंस, और ये जरूर याद रखें कि बिल्कुल ग्राउंड लेबरर से लेकर ये चीफ इंजीनियर तक पहुंच रहे हैं। तो इनको लेबरर की प्रॉब्लम भी पता है और मैनेजर्स की भी प्रॉब्लम पता है। देन इट कम्स टू 1890, जनरल मैनेजर ये मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर एज जनरल मैनेजर अपॉइंट होते हैं, और साथ ही 1898 में बेथलहम स्टील प्लांट ये ज्वाइन करते हैं, और यहीं पर इनका सबसे बड़ा योगदान टू अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पीड स्टील प्रोड्यूस किया था। स्पीड स्टील मोटा माटी ये कि कम वक्त में ज़्यादा तेजी के साथ स्टील की प्रोडक्शन। देन इनको He was also the president of American Society of Mechanical Engineering in 1906. American Society है डिग्रियों से ज़्यादा टैलेंट को तरजीह देती है कि आपने आखिर आपकी अचीवमेंट क्या है। सो बेसिकली इनकी जो सारी नॉलेज है, ये जो हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज इनकी एकेडमिक फील्ड से नहीं आ रही है, किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के ट्रेडिशनल थिंकर की तरह नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ऑन ग्राउंड जाकर प्रॉब्लम्स का पता करते हैं और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वर्क कब कर रहे हैं, जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोर पकड़ रहा है, तो वहां पर कंपनीज के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिक प्रोडक्शन की एक होड़ लगी है। तभी हम आगे देखेंगे इनकी जो थ्योरी का सार है वो इकोनॉमी और एफिशिएंसी के ऊपर फोकस है कि कैसे कम से कम वर्कर का इस्तेमाल कर क्या टेक्निक यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जा सके लिमिटेड टाइम के अंदर। नाउ वी कम टू द फेमस वर्क। अच्छा, जैसे हमने बात की कि हम 4 पिलर्स पे चलेंगे, तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन फेमस वर्क अगर इनका कोई किताब है, इनका कोई रिसर्च पेपर है, तीसरा फिर इनकी थेरीज क्या हैं, और चौथा होगा क्रिटिक पॉइंट कि इनकी थेरी के क्रिटिसिज्म क्या हैं, ताकि हम क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन भी तैयार कर सकें। और
जब हम क्लासिकल थिंकर्स को खत्म करेंगे या वन बाय वन खत्म करेंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि आज के टाइम में इनकी रेलेवेंस कितनी है, कौन कौन सी चीजें अब काम की नहीं रह गई हैं, क्योंकि बात 1910, 1920, 1906 की हो रही है, तो आज कितनी रेलेवेंट है। नाउ वी कम टू, चार इनके फेमस वर्क हैं, ठीक है, पेपर समझना, किताबें आप समझना। तो एक है पीस रेट सिस्टम 1895, आगे इनकी डिटेलिंग हम देखेंगे। तो पीस रेट सिस्टम ये है कि पे टू द पर्सन नॉट टू द पोस्ट, मतलब सारे वर्कर को एक जैसी पे मत कीजिए आप, तो उससे तो लेक्सेडिकल अप्रोच आ जाती है। जो वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा पे करें, और जो कम एफिशिएंट है, कम प्रोडक्शन कर रहा है, उसको कम पे करें। सो पर्सन को पे करना है, ठीक है, परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर के लिए डिफरेंशियल रेट होना चाहिए ताकि मोटिवेशन बना रहे वर्कर के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन का। देन शॉप मैनेजमेंट 1903 में इन्होंने लिखी थी। तो ये था बेसिकली हाई वेज दी जाए और लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, जो कॉस्ट कटिंग कहते हैं ना हम, के प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने लिखा था। और यहां पर बेसिकली क्या था, साइंटिफिक मेथड, स्टैंडर्ड वर्क कंडीशन, आगे इन सबकी डिटेलिंग हमें देखने को मिलेगी कि कैसे ट्रू साइंस डेवलप करना है किसी भी वर्क के लिए। देन आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और ये तो बहुत ज्यादा फेमस इसलिए है, 1906 में लिखा गया क्योंकि इस सब वर्क को लिखते हुए, इस पेपर को लिखते हुए 30,000 से 50,000 रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट किए थे टेलर ने, और बहुत सारे तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट हैं। 26 साल तक ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहे थे अपनी थियरीज के साथ, तो एम्पिरिकल एविडेंस बहुत सारा है इनके पास, एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने सिद्धांतों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब एक्सपेरिमेंट, अकेले एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही $200,000 का खर्च आया था उस जमाने के अंदर। सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से बेसिकली क्या, वो हाई स्पीड स्टील प्रोडक्शन के लिए सिद्धांत बना रहे हैं। देन वी कम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, ये चौथा वर्क बेसिकली कुछ नहीं है, इन तीनों का ही एक कल्मिनेशन पॉइंट है। अच्छा, मैंने कह तो दिया ये कुछ नहीं है, मतलब असल यही है, तीनों का कल्मिनेशन पॉइंट। और फाइनली साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके फादर के तौर पर इनको जाना जाता है, तो अपने प्रिंसिपल्स का एक कल्मिनेशन पॉइंट लेके आते हैं, कंपाइलेशन लेके आते हैं, जिसमें ट्रू साइंस को डेवलप करने की बात करते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ वर्कर, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, किस तरीके से फ्रेंडली रिलेशन हो मैनेजर और वर्कर के बीच में, ये एस्टेब्लिश करते हैं। तो मेजरली हमारा फोकस रहेगा जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, क्योंकि इसी के अंदर ये जो बाकी के तीन वर्क हैं ये भी प्रोमिनेंट पॉइंट उसके अंदर आ जाएंगे। नाउ वी कम साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर का है, इसको हम तीन पॉइंट से समझ सकते हैं। एक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रीजंस क्या हैं, देन साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या दिए हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। मतलब कुछ तो परेशानी रही होगी टेलर की, जिससे निजात पाने के लिए इन्होंने थ्योरी दी है। वो ऐसे कौन से प्री एग्जिस्टिंग कन्विक्शंस थी जिसको डिमोलिश करने के लिए न्यू कन्विक्शंस को, न्यू प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो यहां से समझना शुरू करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो अब एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई का वास्ट एक्सपीरियंस है, लेबरर से चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। तो लेबरर से लेके, गैंग बॉस से लेके, फोरमैन से लेके, जो सुपरवाइजर होते हैं, उन सब से लेके मैनेजर लेवल तक की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से लो प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब का अच्छा ज्ञान था। अब उसी में रीजन तलाश करते हैं, तो दो मेजर प्रॉब्लम इनको पकड़ में आती हैं। और अच्छा, ये दो मेजर प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, साथ में ये भी देखते चलें कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की गेम चल रही है। और प्रॉब्लम बेसिक तो ये थी कि लो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, इतने सारे वर्कर इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आ रहे हैं, और पूरा कैपिटलिज्म बूम के ऊपर है, फिर भी प्रोडक्शन लो क्यों जा रहा है, और प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट क्यों ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस। तो फिर उस कोर प्रॉब्लम के जांच पड़ताल के लिए कि उसकी क्या वजह है, ये निकाल के लाते हैं दो प्रॉब्लम। एक, इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट, जहां पर ये लेजी मैनेजर की फिलॉसफी प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं रूल ऑफ थंब चल रहा है। मतलब सबसे पहले समझे, इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट, वर्कर खुद के इनिशिएटिव पर और अपने इंसेंटिव के लिए काम करता है, जहां वो सेटिस्फाइड हो जाता है, बात खत्म। तो सबसे पहले तो मैनेजर्स लेजी हैं, मैनेजर का रोल ये होना चाहिए कि वो न्यू साइंस ऑफ वर्क निकाल कर लाएं, मतलब उनकी फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, उनकी संस्था में जो भी काम हो रहा है, उस काम करने को बेहतर तरीके लेके आएं। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, मतलब जो चलता हुआ एटीट्यूड से काम चला रहा है, आर्काइक प्रोसीजर ऑफ वर्क, काम को करने के पुराने तरीके, उन्हीं पर मैनेजर काम करते चले आ रहे हैं।
और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम को करने के नए तरीके, साइंटिफिक मेथड डिवाइस आउट करें, मैनेजर वो नहीं कर रहे हैं और बस डिक्टेशन कर देते हैं कि ये काम कीजिए और फिर जिम्मेवारी छोड़ दी जाती है लेबरर के ऊपर। तो लेबरर एक तो खुद के इनिशिएटिव से काम कर रहे हैं कि कितना काम करना है, और दूसरा खुद के इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन्स अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, जो सैलरी सबको एक समान मिल रही है तो ठीक है भाई, जितना सैलरी मिल रहा है उतना सेटिस्फाई काम कर देंगे, बात खत्म। अच्छा, यहां पर जरूरी है क्योंकि सारे क्लासिकल थिंकर्स का जोर होगा रूल ऑफ थंब को हटाकर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने का, साइंस ऑफ वर्क डेवलप करने का। तो यहां रूल ऑफ थंब से क्या मतलब है? रूल ऑफ थंब, जैसे हमने अभी बात की है, आर्काइक वे ऑफ डूइंग वर्क। जैसे भी आप काम करते चला रहे हैं बस वैसे करते चले। यूपीएससी की तैयारी में होता था ना कि वो अखबारों के एडिटोरियल्स की कटिंग और फिर उसका एक फाइल तैयार कर लेनी जो एंड में खुद एक रद्दी तैयार हो जाती थी। लेकिन आज आपके पास नए नए तरीके हैं, एवरनोट जैसी एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं आपके पास, तो आप हाईलाइट करके रख सकते हैं, आप बुकमार्क करके रख सकते हैं। ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। या फिर रूल ऑफ थंब और क्या होना चाहिए, साइंस ऑफ वर्क, इसका क्लासिक एग्जाम्पल आरुषि तलवार मर्डर केस। पुलिस से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नोएडा के अंदर एक डिकेड पहले एक बच्ची का मर्डर होता है और नोएडा पुलिस पूरी तरह से मिसहैंडल करती है। वही जो पुराने तरीके हैं ना पुलिसिंग के, कि हाँ मर्डर हुआ है चलो घर की तलाशी ले लेते हैं, और वहाँ जाकर के हाँ भाई हाँ कौन कौन था घर में, क्या था, नौकर गायब है, बस नौकर पेशा कर, जाओ नौकर को ढूंढो। दो दिन बाद उसी नौकर की लाश छत से बरामद हुई। जिस रात उस बच्ची का मर्डर हुआ था उस रात उस नौकर का भी मर्डर कर दिया गया था। ये नोएडा पुलिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दो दिन तक छत की तलाशी नहीं ले पाई। क्या पुलिसिंग ऐसे ही होती है? मछली बाजार बना गया था क्राइम सीन को। मीडिया घूम रहा है, पड़ोसी घूम रहे हैं, रिश्तेदार घूम रहे हैं, फिंगरप्रिंट तक कलेक्ट नहीं हुए क्योंकि इतने सारे फिंगरप्रिंट्स वहां पर आ चुके थे। जबकि क्राइम सीन को तो जो साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो तो पूरा डिमार्केट हो जाना चाहिए। वहां पर कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन तो छोड़िए, पुलिस की परमिशन के बिना कोई आइडेंटिफाइड पर्सन, कोई रिलेटिव, वो भी अंदर नहीं आना चाहिए। सो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है। मतलब ऐसा माना जाता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर कि या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि जो केस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था उसको नोएडा पुलिस, क्योंकि रूल ऑफ थंब पे काम कर रही थी, हाँ ठीक है ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होती है कर लेते हैं, उसकी वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट अनरिजॉल्वड मिस्ट्री इन इंडियन क्राइम सीन बनाकर रख दिया। आज तक नहीं, डिकेड हो गया, आज तक नहीं सॉल्व हो पाई मिस्ट्री और अब होगी भी नहीं। सो ये फर्क है रूल ऑफ थंब का और कैसे आप किसी भी वर्क को करने के कुछ साइंटिफिक टूल तलाश करते हैं। तो ना सिर्फ टेलर बल्कि जो आगे आपको क्लासिकल थिंकर मिलने वाले हैं उनका भी यही क्वेस्ट था कि रूल ऑफ थंब हटाने हैं, किसी भी काम को करने के पुराने जो रूढ़ीवादी तरीके ये हटाकर हमें एक वन बेस्ट वे लेके आना है, एक साइंटिफिक वे लेके आना है, जिससे ऑब्वियसली इकोनॉमी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी जाएगी। तो हमें समझ में आ चुका है कि इनिशिएटिव और इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट क्या है। अच्छा भाई, क्योंकि ये सारा थिंकर की भी थीम रहेगी, रूल ऑफ थंब बार बार कहेंगे तो वही पुराने ढांचागत तरीके, तो आप और भी एग्जाम्पल तलाश कर सकते हैं। जैसे हमने वो एक पुलिस का एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, तो इसके अलावा किसी भी फील्ड के अंदर, वो चाहे मेडिकल हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, आप तलाश कीजिए कि रूल ऑफ थंब कहाँ कहाँ पर इंडिया में अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल रहा है, कहाँ पुराने तरीकों से काम हो रहा है। वो आपका एग्रीकल्चर का भी एग्जांपल हो सकता है, और साथ में कमेंट करके ज़रा मुझे भी बताइए कि हम कितना अपना परस्पेक्ट को वाइड पोजिशन दे पा रहे हैं। तो वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट करके बताइए क्या क्या रूल ऑफ थंब आप अपने आसपास सोसाइटी में या एडमिनिस्ट्रेशन में देख पा रहे हैं। नाउ वी कम टू दिस थिंग, ठीक है, इंसेंटिव इनिशिएटिव बेस्ड, ये हमें समझ में आ चुका है, तो इसकी वजह से लोअर प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरा इससे भी अहम प्रॉब्लम ऑफ सोल्जरिंग, इसको स्कीविंग भी कहा गया है, कई किताबों में आप इसी को स्कीविंग कहेंगे, स्काइविंग या स्कीविंग, ओके, वन इज द सेम थिंग, सोल्जरिंग या फिर स्कीविंग। तो सोल्जरिंग मतलब दो तरह की, एक नेचुरल सोल्जरिंग और दूसरा है सिस्टमैटिक सोल्जरिंग। सोल्जरिंग का मतलब यह है कि जहां पर डेलिबरेट तरीके से लो प्रोडक्शन की जाती है, जहां वर्कर लो प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम को जितना प्रोड्यूस करना चाहिए था उतनी यूनिट प्रोड्यूस वो नहीं कर पा रहे हैं। अब किसी भी वर्कर के लो प्रोडक्शन की दो किस्में हो सकती हैं, एक है नेचुरल सोल्जरिंग। नेचुरल सोल्जरिंग वो बाय नेचर ही वर्कर ऐसे है, मतलब नेचर बाय नेचर वर्कर सुस्त है, या उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, या फिर सीधी बात कहें तो इनहेरेंटली काम चोर है, काम करके ही राजी नहीं होते हैं ऐसे लोग। सो ये तो है नेचुरल सोल्जरिंग, उसकी वजह से लो प्रोडक्शन है।
तो उस पर टेलर का सीधा जवाब यह है कि इसको करेक्ट किया जा सकता है या पर्सुएशन से या आउटराइटली थ्रेट से। देखिए थोड़े पुराने थिंकर हैं, क्लासिकल थिंकर हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंसान के मनोभाव की बात नहीं कर रहे हैं या फिर उसकी कोई डीप पर्सनल प्रॉब्लम का पता करके उसको सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं। सीधे कहते हैं या तो पर्सुएशन कर लो भाई, उसको मना लो थोड़ा बहुत इंसेंटिव और बढ़ाकर, तो मान जाएगा, अदरवाइज आउटराइटली थ्रेट, उसको सीधा धमकी दीजिए कि आपको निकाल दिया जाएगा। हायर एंड फायर वाला रूल यहाँ पर अपनाया जा रहा है, कोई स्किल इन्हेंसमेंट की बात नहीं की जा रही है। सो एक हो गई नेचुरल सोल्जरिंग, और दूसरा इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया वो था सिस्टमैटिक सोल्जरिंग। ये है डेलिब्रेटली, जैसे यहाँ पर तो शायद नेचुरल सोल्जरिंग में डेलिब्रेट नहीं है, ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक सोल्जरिंग में ये पता करते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से, डेलिब्रेट तरीके से वर्कर लो प्रोडक्शन करते हैं, बल्कि कई जगह तो वो आपस में मिली भगत कर कर वो लो प्रोडक्शन करते हैं। अब इस सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की वजह क्या है? तो सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की जो तीन प्रोमिनेंट वजह है, एक तो वो ये है कि लॉस ऑफ जॉब, ये क्या होता है कि पीयर ग्रुप वाली फीलिंग होती है कि सब लेबर आपस में भाई हैं, तो अगर वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ वर्कर की जॉब चली जाएगी। जो टारगेटेड प्रोडक्शन है कंपनी का, अगर वो हो पा रहा है कम वर्कर से, तो ज़्यादा वर्कर क्यों होंगे, तो फिर कुछ वर्कर की जॉब चली जाएगी, वो वर्कर आपस में नहीं चाहते हैं। और दूसरा है नए बेंचमार्क का डर, कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो फिर वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, फिर उससे जो भी लो प्रोड्यूस करेगा वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो नए बेंचमार्क का डर होता है कि भाई नए बेंचमार्क ना सेट हो जाएं। ये दो प्राइम वजह हैं आपके सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की। और तीसरा इंसेंटिव इंक्रीमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए, इसमें एग्जांपल भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, कि आप किसी वर्कर को कहें कि ये काम आपने ख़त्म करना है और आपको डेली 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा, तो वर्कर क्या करेगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि उसके डेली वेजेस इन्हेंस हो सकें। तो कई बार ये देखा जाता है कि 5 दिन का काम वो 8 दिन में ख़त्म करेगा ताकि उसकी डेली की दिहाड़ी आती रहे। तो इंडिया में जो घर बनाते हैं, जो ठेकेदारी सिस्टम है, दिहाड़ीदारी सिस्टम है, उससे आप समझ सकते हैं कि आपका सिस्टमैटिक सोल्जरिंग किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर सोल्जरिंग का कंसेप्ट क्या है, आप देशी भाषा में कहें तो काम चोरी है, या फिर थोड़ी रिफाइंड भाषा में कहें तो सिस्टमैटिक तरीके से, डेलिब्रेट तरीके से लो प्रोडक्शन कॉस्ट करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं करनी है। अब इसी सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की प्रॉब्लम को उन्होंने रिलेट किया रूल ऑफ थम्स है कि एक और वजह इसी सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की या फिर सोल्जरिंग की एक ये है कि अनसाइंटिफिक मेथड से क्योंकि वर्कर काम करते हैं तो अपना बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी वो फिजूल बर्बाद करते हैं, प्रोडक्शन की लो आती है। अब इन सारे चीज़ों का अगर एक एग्जांपल करें, उन्होंने जो हल निकाला, जैसे टाइम एंड मोशन स्टडीज़ उन्होंने की, थोड़ा इनह्यूमन ज़रूर है लेकिन स्टॉप वॉच लेके बैठ गए कि हर वर्कर जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क कर रहा है वो कितने टाइम के अंदर पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। कि मान लीजिए कि स्टील प्लांट है, तो मान लीजिए कोयला ही डालना है किसी भट्टी के अंदर, तो कोई वर्कर कितने टाइम के अंदर, कितनी एफिशिएंसी से कितने केजी कोयला भट्टी के अंदर डाल सकता है, लेकिन स्टॉप वॉच स्टडी चल रहा है, स्पोर्ट्स बना के रख दिया उन्होंने, मिलिटराइज्ड कर दिया इस चीज़ को, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस आती थी उसको स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। तो आगे वो पीस रेट सिस्टम वगैरह लेके आएंगे कि भाई इस स्पीड पर कोई काम करेगा तो उसको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, इससे ऊपर काम करता है तो बेटर इंसेंटिव है, और इससे नीचे काम करेगा तो भाई आपके इंसेंटिव काट लिए जाएंगे। तभी वो पीस रेट सिस्टम आया कि वर्कर को सभी को एक जैसा नहीं पे करना है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड जो आपके पैरामीटर हैं परफॉर्मेंस के, उसके आधार पे इवेल्युएट कर कर आप पे करेंगे। और इन सब का नतीजा एक ये कि बेदलहम स्टील प्लांट के अंदर 500 वर्कर से इन्होंने वर्कर की गिनती कर दी 140, रिट्रेंच कर दिया बाकी वर्कर को, लेकिन 500 वर्कर से जब 140 वर्कर पर बात आई और इनकी यही सारी स्टडीज़, इनकी यही सारी थेरीज, प्रोडक्शन में कोई लोअरिंग नहीं आई, प्रोडक्शन उतना ही, जितना 500 वर्कर प्रोड्यूस कर रहे थे उतना ही इन्होंने 140 वर्कर से काम ले लिया। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, जो कॉस्ट इन्वॉल्व थी, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही थी प्रोडक्शन के अंदर, वो लो चली गई है। तो अपनी थेरीज को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव भी कर रहे हैं। देन वी कम टू प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ठीक है, प्रॉब्लम का पता लग गया कि भाई एक रूल ऑफ थंब है, पुराने ढांचागत तरीके से काम नहीं होगा, और दूसरा लेजी मैनेजर हैं, और इधर वर्कर्स के अंदर सोल्जरिंग की प्रॉब्लम है। तो अब आगे बात करते हैं कि यार ये सब प्रॉब्लम और हम कैसे ठीक करें या साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे डेवलप करें। सो बेसिकली जो फाउंडिंग स्टोन है कि एक तो रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना है, साइंस लेके आनी है, और आगे
चार प्रिंसिपल दिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के, दैट डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को डिफाइन करें, जॉब डिजाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एस्पेक्ट के ऊपर एक ट्रू साइंस लेके आना है, मतलब वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क और जॉब, जो भी वर्क आप कर रहे हैं। अच्छा, जब यहां पर ये सारी थ्योरी लिखी जा रही है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फर्क नहीं है, वो संस्था चाहे सरकारी है, वो संस्था चाहे प्राइवेट है, तो चाहे स्टील प्लांट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है, चाहे कहीं खिलौने बनने का काम हो रहा है, अब चाहे कहीं एजुकेशन का काम है, चाहे हेल्थ का काम है, चाहे पुलिसिंग का काम है, ये कहते हैं भाई मेरे प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल है, अप्लाई कर लीजिए। तो हर काम को करने का एक बेस्ट वे तलाश करना, ये कोड जरूर याद रखेंगे, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क और जॉब। अलग अलग तरीके होते हैं कोई भी काम करने के, कोई एक बेस्ट वे तो होगा उस काम को करने का, बस आपको वो फाइंड आउट करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ, अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, वो वन बेस्ट वे तलाश कर लीजिए, और कुछ नहीं करना, अब उसी को स्टैंडर्ड नॉर्म बना देना है। और दूसरा, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, साइंटिफिक सिलेक्शन कीजिए। ये जो किसी भी काम में किसी भी वर्कर को आप इन्वॉल्व कर देते हैं, ये खत्म करें। डिफरेंट जॉब डिजाइन के लिए डिफरेंट टाइप के वर्कर को रिक्रूट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर ह्यूमन कैपेसिटी, मतलब बॉडीली कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो फिर वेल बिल्ट लोगों को आप लेके आए, और जहां पर कोई ह्यूमन लेबर बहुत इंटेंस नहीं है तो वहां पर आपको वेल बिल्ट लोगों की जरूरत नहीं है, जो वेल बिल्ट नहीं है वो भी आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। So, इस तरीके से साइंटिफिक सिलेक्शन, साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन करना है। वर्कर्स को स्किल भी आपने प्रोवाइड करने हैं, वो ऑन जॉब ही जब वो वन बेस्ट वे के अंदर वर्क करेगा ना, तो उसके स्किल डेवलप होने लग जाएंगे। तो ये इंडिया के अंदर भी आज भी किया जाता है, बहुत सारे गवर्नेंस एजेंसीज के अंदर किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट के साथ, डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं किसी की भी काबिलियत को चेक करने के, ऑन मेरिट सिलेक्शन की जाती है। सो साइंटिफिक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब तीसरा एस्पेक्ट इज नथिंग बट ब्रिंग टुगेदर बोथ द थिंग्स, मतलब आपके पास सिलेक्ट जॉब के लिए सिलेक्ट वर्कर आ चुका है और आपके पास वन बेस्ट वे है उस काम को करने का, बस दोनों का आपने मेल करा देना है। सो ब्रिंगिंग टुगेदर साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेंड वर्कमैन, और इसी को आगे उन्होंने फर्दर एक्सप्लोर किया या डिफाइन किया, दैट मेंटल रेवोल्यूशन वी नीड, मतलब के वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन से यहाँ टेलर का क्या मकसद है, ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि वर्कर के इंटरेस्ट इज एंटीथेटिक टू मैनेजर इंटरेस्ट, या मैनेजर के इंटरेस्ट इज एंटीथेटिक टू वर्कर इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल जो भी आप कहें सिनेरियो है उसके अंदर इस तरह की मैंटेलिटी चलती रहती है। तो आपने देखा भी होगा ना अक्सर, मजदूर वो मैनेजर के खिलाफ हड़ताल कर देंगे, मैनेजमेंट के खिलाफ हड़ताल कर देंगे कि जी हम पे तो बिना वजह के जो है किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लाई किए जा रहे हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखेंगे एक एंटीथेटिज्म होता है, बॉस के प्रति जो भी लोअर हायरार्की में है वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट है उसके एंटीथेटिक है, और ऐसा ही जो टॉप लेवल हायरार्की में है जो बॉस है वो ये कहता है यार लोअर लेवल वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो चाहे आप सरकारी स्कूल में चले जाएं, प्रिंसिपल स्टाफ की नहीं बन रही होती है, चाहे आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादातर इस तरह की एक मेंटेलिटी हावी होती है। और जब हम बात कर रहे हैं 1910 की, 1920 की, तब तो बहुत ज़्यादा हावी थी ये चीज़। तो फिर कहा गया मेंटल रेवोल्यूशन, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा देखिए कोई इनहेरेंटली कन्फ्लिक्ट है ही नहीं, दोनों के हित क्या हैं, वो एक ही टारगेट की तरफ जा रहे हैं। अगर वर्कर को अपनी वेजेस बढ़ानी है और मैनेजर्स को प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो दोनों का हित तो तभी है जब प्रोडक्शन बढ़े। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वर्कर की वेजेस को अपने आप इंक्रीज किया जाएगा। भाई वर्कर प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके अपने वेजेस नहीं बढ़ा सकते हैं, जब कंपनी को ही मुनाफा कम हो रहा है तो वर्कर को क्यों ज्यादा वो देंगे। और दूसरा मैनेजर्स, वो भी सपोर्ट, क्योंकि उनको मैनेजर्स को क्या चाहिए, वो चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन, वो वर्कर के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। तो दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं, हार्मनी होनी चाहिए। दोनों के इंटरेस्ट तभी पूरे होंगे जब वो हार्मनी से काम करेंगे, और इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। सो ये मेंटल रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है उन्होंने कहा, और ये कब आएगा, जब साइंटिफिक सिलेक्शन होगी और एक ट्रू साइंस ऑफ वर्क डेवलप किया जाएगा, एनर्जी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, एंड देन द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, फिलॉसफी ऑफ लेजी मैनेजर्स, इसको बहुत हाईलाइट किया। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं
टेलर साहब डंडा लेके मैनेजर्स को भी दौड़ा रहे हैं, वर्कर को भी दौड़ा रहे हैं। वर्कर तुम करते हो सोल्जरिंग, स्कीविंग, सिस्टमैटिक सोल्जरिंग करते हो। मैनेजर्स तुम लेजी हो, जो साइंस ऑफ वर्क तलाश करना तो तुमने कभी तलाश ही नहीं किया, बस वर्कर को डिक्टेट कर दिया ये काम कीजिए। दोनों लेवल पे सुधार की बात कर रहे हैं। सो हियर सेज कि भाई देखिए डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कीजिए, वो अपना काम ढंग से करें, और वर्कर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको क्या प्रोडक्शन करना है, वन बेस्ट वे यूज करना है, टाइम एंड मोशन के अंदर काम करना है, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स पे काम करना, ये सब वर्कर के ऊपर लाजिम कर दीजिए। सो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू टेलर, ये चारों आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि चारों की आपस में जो एक थीम बनती है, इंटरमिक्सचर बनता है, इंटररिलेशन बनता है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर सारी जो इनकी फिलॉसफी है उसको समराइज करें तो किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए थ्योरी दे रहे हैं टेलर, दैट साइंस चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं चाहिए, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मैनेजर वर्सेस वर्कर कभी नहीं होना चाहिए, या बॉस वर्सेस सबॉर्डिनेट कभी नहीं होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन के अल्टीमेट गोल के लिए दोनों मेहनत करेंगे। देन कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअल, सो वर्कर और मैनेजर का आपस में कॉपरेशन होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट के, सोल्जरिंग वगैरह आप खत्म कीजिए, दोनों का मैनेजर और वर्कर का फोकस होना चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर, उससे दोनों को ही भला होगा, दोनों के टारगेट अचीव होंगे। देन डेवलपमेंट इन ईच ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, जो भी चाहे वो इंडिविजुअल वर्कर की हम बात कर लें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल बात कर लें, ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है, और उसके लिए हमें ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सक्सेसफुल होने की जरूरत है। नाउ वी कम एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमारा तीसरा पिलर था, किन एलिमेंट्स के आधार पर इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट एस्टेब्लिश किया। इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक है टाइम एंड मोशन स्टडी, जो कि आपको बेसिकली साइंस ऑफ वर्क प्रोवाइड करेगी, या फिर हम कहें वन बेस्ट वे ऑफ वर्क आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। ओके, सो टाइम एंड मोशन स्टडी हुई कि हर वर्क को पहले तो माइन्यूट उसके सबसेट में तोड़ लीजिए, और हर एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड कर लीजिए। हर मोशन, मोशन मींस हर एक्टिविटी कितने टाइम के अंदर परफॉर्म की जा सकती है, तो टाइम एंड मोशन स्टडी की जाए, और हर एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट हो, तो उस स्टैंडर्ड टाइम सेट से आप कोई समझौता नहीं करेंगे, वर्कर को उससे नीचे काम करने के लिए इंसेंटिवाइज आप नहीं करेंगे। और जब आपने हर चीज़ के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी के थ्रू कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तब आता है वेज पेमेंट सिस्टम, और इनका वेज पेमेंट सिस्टम क्या है, पीस रेट सिस्टम। किसी भी एक कैटेगरी ऑफ वर्कर में सबको एक जैसी वेजेस ना दी जाए, जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मोशन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है उसको स्टैंडर्ड इंसेंटिव, उसको स्टैंडर्ड सैलरीज दी जाए, जो उससे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसको आप बेहतर पे करें, और जो बिलो परफॉर्म कर रहा है उसको आप कम पे करें। जैसे एक अनदर एग्जांपल आता है, किसी बेथलम स्टील प्लांट के अंदर एक वर्कर हुआ करता था शिमिडिट, तो वो काफ़ी वेल बिल्ड था, तो वो काफ़ी तेज़ी से काम करता था। उसकी टाइम एंड मोशन स्टडीज़ का उन्होंने सारा जायज़ा लिया, वही स्टॉप वॉच लगा के टेलर साहब ने, तो देखा कि जहाँ पर एक आम वर्कर कोई 12.5 टन स्टील प्रोड्यूस करता था एक लिमिटेड टाइम के अंदर, शिमिडिट 47.5 टन स्टील प्रोड्यूस करता था, मतलब उसमें उसका योगदान होता था, इतनी एफिशिएंसी थी शिमिडिट की। तो भाई ने शिमिडिट को स्टैंडर्ड बना दिया, बेस्ट को स्टैंडर्ड बना दिया, वन बेस्ट वे यही कर दिया कि भाई इससे ऊपर जो परफॉर्म करेगा वर्कर उसको ज़्यादा पेमेंट, इसके बराबर तो स्टैंडर्ड पेमेंट, और इससे नीचे वाले फिर तो डिक्रीज पेमेंट आपको मिलेगा। उससे वर्कर ज़्यादा इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ ज़्यादा एफिशिएंसी काम करने के लिए। तो इन दोनों के साथ क्या किया इन्होंने, जो सोल्जरिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। देन मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ कोर्स, कि भाई दोनों के इंटरेस्ट साथ में हैं, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है। और याद रखें अकॉर्डिंग टू टेलर मेंटल रेवोल्यूशन इज द कोर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी कोट्स मैं आपको देता हूँ प्लीज उसको अच्छे से याद कर लें, पेपर में कोट्स बहुत जरूरी हैं। देन वी कम टू फंक्शनल फोरमैनशिप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है और आपको बस इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एक तो टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को खारिज किया। यूनिटी ऑफ कमांड के किसी वर्कर के ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति है जो कमांड कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। और एक कोई अथॉरिटी कितने ही वर्कर को वो कमांड दे लेंगे या कितने वर्कर को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप यहाँ पर सिंपल समझें, जो इंडिया के अंदर वर्ड यूज होता है सुपरवाइजर,
कुछ नंबर ऑफ वर्कर की एक्टिविटी को, उनके क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क को मेजर करने के लिए देर आर सुपरवाइजर्स। तो उसी को यूएस की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है फोरमैन। तो फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब एक सुपरवाइजर सभी चीजों को जो है रेगुलेट नहीं करेगा, सुपरवाइज नहीं करेगा, बल्कि डिफरेंट टाइप के सुपरवाइजर, डिफरेंट फंक्शन को लेके डिफरेंट फोरमैन, डिफरेंट सुपरवाइजर होंगे जो वर्कर की डिफरेंट वर्क प्रोफाइल को रेगुलेट करेंगे। अब फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब आठ फोरमैन, चार जो होंगे प्लानिंग कैटेगरी के अंदर और चार जो होंगे एग्जीक्यूशन कैटेगरी के अंदर। तो वर्कर के ऊपर कौन, चार तो प्लानिंग वाले बैठे होंगे, एक होगा वर्क एंड रूट क्लर्क, एक होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। शॉप डिसिप्लिनेरियन मतलब शॉप जिस लेवल पर या जिस जगह पर वर्कर काम करते हैं, वर्कर का वर्क स्पेस। देन जो एग्जीक्यूशनरी फोरमैन है उनमें एक है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। इन डिफरेंट फोरमैन्स के काम क्या क्या हैं? सो जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं चार प्लानिंग के अंदर हैं, तो ये प्लान करने का काम करेंगे, जैसे वर्क एंड रूट क्लर्क ये जनाब काम करेंगे वर्क प्रोफाइल से जुड़ा हुआ, क्या मटेरियल लगेगा, क्या टेक्निक यूज करनी है किसी काम को करने की, और टाइम भी कि कितना टाइम किस एक्टिविटी के अंदर लगेगा, ये डिजाइन करेंगे। और उसी सारे डिजाइन को रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मतलब हर वर्कर के लिए कार्ड तैयार किया जाएगा, आप ये मटेरियल यूज करेंगे, इतना स्टैंडर्ड टाइम है, इतनी स्पीड से आपको काम करना है। ओके, देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये रिकॉर्ड रखेंगे, मतलब वर्कर क्या उसी टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर रहे हैं, ताकि फर्दर वर्क एंड रूट क्लर्क को बता सकें कि आप जो डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन इट कम शॉप डिसिप्लिनेरियन, मतलब जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, इन रूल्स को बनाने का काम शॉप डिसिप्लिनेरियन का होगा। और फिर आते हैं एग्जीक्यूशन। तो गैंग बॉस, ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने एक कार्ड बनाया है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं वर्कर के लिए, ये पर्टिकुलर वर्कर को प्रोवाइड करना ये गैंग बॉस का काम है। देन यही गैंग बॉस मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कोई इक्विपमेंट चाहिए वो वर्कर को प्रोवाइड करेगा। देन आता है स्पीड बॉस का काम, तो ये स्पीड को सुपरवाइज करेंगे, जाकर मतलब रियल में ये देखना कि स्टैंडर्ड स्पीड से वर्कर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर फाइनली वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को रिपोर्ट करेंगे जो रिकॉर्ड कीपिंग करेगा। तो ये सुपरवाइज के लिए है। और इंस्पेक्टर जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क को चेक करेंगे जाकर कि ठीक है स्पीड तो आ रही है लेकिन क्या क्वालिटी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब स्टैंडर्ड वर्क तो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। देन रिपेयर बॉस ये मेंटेनेंस वर्क के लिए हैं कि शॉप फ्लोर लेवल के ऊपर जहाँ वर्क प्लेस है वर्कर का, वहाँ पर अगर कोई मशीन खराब हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। सो टोटल आठ फोरमैन की सुपरवाइजिंग के अंदर वर्कर्स काम कर रहे होंगे, यूनिटी ऑफ कमांड को चुनौती दी गई है। जब हम क्लासिकल थिंकर्स की बात करेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड में बहुत बिलीव रखते हैं कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक सोर्स ऑफ पावर होनी चाहिए जहां से कमांड आती है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड को खत्म करके आठ फोरमैन इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, चार प्लानिंग के, चार एग्जीक्यूशन के। देन वी कम टू क्वालिटी ऑफ फोरमैन, जस्ट नॉलेज, ठीक है, इतना ज्यादा इस पर क्वेश्चन का फोकस नहीं होगा, जो मेन चीज थी वो हम सारी कवर कर चुके हैं। सो जो भी फोरमैन होने चाहिए उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, वो एजुकेटेड हो, देन टेक्निकल नॉलेज भी हो, जिस पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल के अंदर उनको फोरमैन लगाया जा रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, देन मैनुअल स्ट्रेंथ होना चाहिए उनके पास, मतलब शरीर से ठीक हो, देन टैक्टफुल होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि मैं तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ, मैं तो सच मुंह पे कह देता हूँ, टैक्टफुल, किस वक्त वर्कर को क्या बात कहनी है, किस वक्त नहीं कहनी है, आपको टैक्टफुल होना है। इसके साथ एनर्जी होनी चाहिए, ग्रिट होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना बैकबोन स्ट्रेंथ टू स्टूड अगेंस्ट द ऑड्स, वो चीज़। देन ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब ऐसे करप्ट नहीं होने चाहिए। देन जजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उनके पास होनी चाहिए, और साथ ही गुड हेल्थ, मतलब कुछ जनरल सी चीजें और कुछ टेक्निकल चीजें जो क्वालिटी ऑफ फोरमैन बताई गई हैं। देन वी कम टू क्रिटिक सिस्टम, ठीक है, सारी हम फिलॉसफी समझ चुके हैं, मेन चीज इनकी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेलर साहब का क्रिटिक क्या है, ज्यादातर वही क्रिटिसिज्म है जो क्लासिकल थिंकर्स के हैं, बाद में जब हम कुछ क्लासिकल थिंकर्स पढ़ लेंगे तो फिर इकट्ठा भी इनके क्रिटिक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जब बात आती है टेलर के क्रिटिसिज्म की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि टेलर ने डंडा लेकर वर्कर को भी दौड़ाया, मैनेजर्स को भी दौड़ाया, मैनेजर्स को लेजी कह दिया और
वर्कर को कह दिया सोल्जरिंग करते हो काम चोरों, तो दोनों ने ही विरोध किया इनका। तो पहला तो जैसे हम बात करते हैं कि लेबर यूनियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया टेररिज्म को, तो उन्होंने भारी विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई आप तो डीह्यूमनाइजिंग तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, आप तो वर्कर को एक कॉग इन द व्हील समझ रहे हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट में आप कम करवा रहे हैं। मतलब जैसे कि कोई मशीन काम करती है ना, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वर्कर ऐसे काम करें। लेबर यूनियन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और खासकर इनकी टाइम एंड मोशन स्टडीज का बड़ा विरोध हुआ। भाई ये क्या बदतमीजी है कि आके वर्कर के ऊपर अगर आप स्टॉप वॉच लेके बैठ जाते हो, भाई वो वर्कर है कि वो एथलीट है, और आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे तो इसी लेवल प्रोडक्शन चाहिए। भाई किसी दिन वर्कर की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी कोई और फैमिली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन आपने तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिस दिन उससे बिलो परफॉर्म कर रहा है आप तुरंत पनिश कर रहे हैं। तो आप डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, आप वर्कर को एज ए ह्यूमन देख ही नहीं रहे। पहला तो लेबर यूनियन को ये पसंद नहीं आया, तो लेबर यूनियन ने इनके खिलाफ धरने देने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ मैनेजर्स को भी नहीं पसंद आया, जब मैनेजर से इन्होंने उम्मीद की कि तुम लेजी नहीं रहोगे और तुम्हें हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, लगातार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नए नए साइंस, नए नए मेथड तलाश करने होंगे, वन बेस्ट वे तलाश करना। तो ये भी कहा जाता है कि वो सारे मैनेजर्स जो बिना एक्स्ट्रा लेबर के पदोन्नति चाहते थे, इंक्रीमेंट्स चाहते थे, उन्होंने इसका विरोध किया, बोले ठीक है नहीं साहब ये टेररिज्म तो हमारे यहाँ पर ठीक नहीं है, वो भी एजिटेटिव मोड के अंदर आ गए। सो एक तो दोनों तरफ से जब विरोध हो रहा है, वर्कर भी विरोध कर रहे हैं, मैनेजर्स भी विरोध कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग खबर ये कि जहाँ पर मिडवेल स्टील प्लांट हो, बैथलन स्टील प्लांट हो, जहाँ पर स्पीड स्टील ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों से इनको रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज वर्कर एंड मैनेजर्स वर इन एजिटेटिव मोड। देन फर्दर एमपी फॉलेट और एल्टन मायो जैसे लोग फ्यूचर में आएंगे जो बिहेवियरलिस्ट हैं, तो उन्होंने अगेन ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर ना फोकस करने की वजह से टेररिज्म को रिजेक्ट किया कि आप डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे बाय एल्टन मायो, उसके बारे में तो कहा जाता है दैट शूक द पिलर्स ऑफ क्लासिकल थिंकर्स, इन सब की धज्जियां उड़ा के रख दी, बोले यार ह्यूमन से इस एनवायरमेंट में आप प्रोडक्शन ले ही नहीं सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। कोई 2 महीने, कोई 6 महीने वो काम कर लेगा किसी मजबूरी के अंदर, या हो सकता है वो इंथुजियास्टिक हो आपके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस मैनरिज्म में काम नहीं कराया जा सकता है। और आज के दौर में जहां चाहे कोई भी वर्कर हो, एज ए इंडिविजुअल वो अपने राइट्स को लेकर बहुत सजग है, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर सजग है, तो वो तो बिल्कुल भी टेररिज्म को पसंद नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो वहां पर वर्कर्स के लिए कितनी सारी फैसिलिटीज हैं आप देखेंगे, वो टेररिज्म की तरफ नहीं जाती हैं बल्कि टेररिज्म से दूर होने की बात करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर की बात करते हैं। ओके, नाउ वी कम ब्राउन एनालिसिस ने बहुत धज्जियां उड़ाई इनकी। देखिए टेररिज्म की एक बड़ी कमी यह है कि ह्यूमन को इनहेरेंटली लेजी इन्होंने समझा, जैसे लेजी मैनेजर कह रहे हैं और वर्कर को सोल्जरिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो टेलर की फिलॉसफी में मैन इनहेरेंटली डिसलाइक द वर्क, मतलब आदमी कामचोर है, काम करना नहीं पसंद करता, मजबूरी में काम करता है, ठीक है, यह लालच में काम करता है। तो टेलर की निगाह में यह है इमेज, लेकिन जो ब्राउन्स एनालिसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन और वर्क के रिलेशन को समझने के लिए, तो उसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि ह्यूमंस आर नॉट इनहेरेंटली लेजी, रादर दे लाइक देयर वर्क। अगर वो कहीं पर प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो उसके मल्टीपल अदर फैक्टर्स होंगे, लेकिन काम वर्क किसी भी इंसान की जिंदगी में एक अहम स्थान रखता है। ज्यादातर लोगों की जो पहचान होती है, वो चाहे उनकी एक इंडिविजुअल खुद के लिए पहचान हो, खुद की निगाह में हो, या सोसाइटी के अंदर एक पहचान हो, या उनके परिवार के लिए एक पहचान हो नियर एंड डियर में, वो उनके काम से आती है कि जनाब काम क्या करते हैं। तो काम तो किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति के लिए कन्फ्लिक्चस नहीं हो सकता है, या फिर कन्फ्लिक्चस ना कहें, ये नहीं हो सकता है कि वो काम पसंद नहीं करता, काम तो बहुत अहम स्थान है। तो मैन या ह्यूमन इनहेरेंटली डजंट डिसलाइक द वर्क, अगर वो वर्क को डिसलाइक कर रहे हैं तो उसके अदर फैक्टर्स होंगे, इनहेरेंटली डिसलाइकिंग नहीं है। तो ब्राउन का जो एनालिसिस है वो जो बेसिक प्रमाइसिस है टेररिज्म को उसी को चैलेंज कर दे रहा है। देन वी कम टू माइन्यूट डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट गुड, हर काम को माइन्यूट कड़ियों में तोड़ लेना ये ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने तो यही कहा था ना कि हर एक्टिविटी को माइन्यूट्स में तोड़ लीजिए और फिर टाइम एंड मोशन स्टडी कीजिए, वो हर एस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। देन वर्क एट हायर लेवल जो डिसीजन मेकिंग का होता है, वहां पर टेररिज्म ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देखिए आपको भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिजिड माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक फिजिकल एफिशिएंसी वाले वर्क हैं,
कि कितनी टाइम के अंदर आप कितना प्रोड्यूस कर लेंगे। वहां पर टेलरिज्म शायद सक्सेस हो सके, वहां पर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन हायर लेवल ऑफ वर्क, जहां डिसीजन मेकिंग की जा रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, बायलैटरल रिलेशंस हो, ट्रेड रिलेशंस हो, ब्रिक्स के डिसीजन मेकिंग्स हो, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनहेरेंटली अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब वहां पर आप टाइम एंड मोशन स्टडी लगा दो कि नहीं जी, अभी दो घंटे के अंदर ब्रिक्स डिसाइड करेगा कि न्यू करेंसी बनानी है कि नहीं बनानी है, ठीक है। क्वाड आज ही डिसाइड करेगा कि चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लेने हैं या नहीं लेने हैं। नहीं, आप वेट एंड वॉच में बहुत सारी चीजें लिखनी है। तो टेलरिज्म के बारे में एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि अगर कोई लिमिटेड सक्सेस है तो वो लोअर हायरार्की ऑफ वर्क के ऊपर है। हायर हायरार्की ऑफ वर्क में ये टेक्निक्स कारगर नहीं साबित हो सकती हैं। देन टेलर वायलेटेड द प्राइवेसी ऑफ वर्कर्स। तो प्राइवेट लाइफ तो उनकी कोई बची नहीं, उनको तो आपने मशीनी पुर्जा बना लिया है। या फिर जैसे था इंसेंटिव पीस रेट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया गया कि भाई इससे तो वर्कर्स के बीच में एनिमिटी बढ़ेगी और जो कोऑर्डिनेशन वर्कर के बीच में होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। यार तुम ज्यादा कर रहे हो, हम कम कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बावजूद ये सारे तो क्रिटिक पॉइंट हो गए हैं। तो ठीक है, हमने देख लिया है कि बहुत सारी थ्योरी का रिपल्स बैक भी किया गया, लेकिन आने वाले टाइम में एल्टन मायो या एमपी फॉलेट, उनसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला टेलरिज्म को। लेकिन फिर से देखिए, किसी भी चीज़ को खारिज कर देना बहुत आसान काम है कि आप रिजेक्ट कर दें कि नहीं किसी काम के नहीं है। और दूसरा, आज के दौर में हम बात करें तो हो सकता है कि लिमिटेड इसके सक्सेस रेट हो, लेकिन सबसे पहले थिंकर को समझने के लिए उसके दौर में जाके समझे। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है और ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है, और वहाँ पर टेलर के रिजल्ट मार्वलस हैं, इनके एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड हैं इनके पास। और यही एक बड़ी वजह बनती है कि डिस्पाइट लेबर यूनियंस इनके खिलाफ थी, डिस्पाइट मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के टेलर खिलाफ हैं, इसके बावजूद यूएसएसआर के अंदर लेनिन ने इनवाइट किया टेलरिज्म को। और खासकर जो यूएसएसआर के अंदर उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था या स्पेस प्रोग्राम थे, वहां पर टेलरिज्म के प्रिंसिपल लागू किए गए और फिर यूएसएसआर ने इन फील्ड्स के अंदर काफी रिजल्ट हासिल किए, जिसका बड़ा क्रेडिट टेलरिज्म को भी जाता है। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ने बेनिफिट भी लिया है, लेकिन फिर आने वाले दौर में जैसे कोई भी चीजें हमेशा के लिए नहीं होती हैं, बदलती हैं, उनसे टेलरिज्म को चैलेंज भी मिलता है। तो बस इतने से थे टेलर साहब, मतलब इसके ठीक आप प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करें, बहुत ज्यादा ले रही नहीं है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, बस आपको कुछ टर्मिनोलॉजी और साथ में कुछ कोर्स याद रखनी होंगी। That will be all. Thank you. Thank you so much.